देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटो युक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन का कार्यक्रम जारी किया है। बता दें कि आज से बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन शुरू किया जाएगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आज से होने वाली सेमेस्टर परीक्षा के बीते रविवार को गोपनीय दस्तावेज और उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। बता दें कि विश्वविद्यालय परिसर की शास्त्री द्वितीय व तृतीय खंड, शास्त्री द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर तथा आचार्य द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 2 पाली में होगी। रतलाम में रोजगार मेले का आयोजन आज से शासकीय आईटीआई सैलाना रोड पर रखा गया है। बता दें कि रोजगार मेले में 10 से 12 निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण से स्नातकोत्तर तथा आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 का 12वां मुकाबला अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज यानी 25 जून को सुबह 6 बजे से आर्नोस वेल स्टेडियम किंग्सटाउन में खेला जाएगा। बता दें कि यहां अब तक 9 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से 5 पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, वहीं 3 रन चेस करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। मुंगेर में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड एवं जिला स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बता दें कि यह सम्मेलन आज यानी 25 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित होगा। बरेली में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद परिषदीय विद्यालय आज से खोले जाएंगे। बता दें कि इसमें 3 दिनों तक शिक्षक विद्यार्थियों के स्वागत की तैयारी करेंगे, वहीं स्कूल को फूल व गुब्बारों से सजाएंगे। 28 और 29 जून को विद्यार्थी स्कूल में ग्रीष्मकालीन शिविर का लुत्फ उठाएंगे। धनाऊ में पंचायत समिति धनाऊ की साधारण सभा की बैठक आज सुबह 11 बजे पंचायत समिति के सभागार भवन में धनाऊ प्रधान शम्मा बानू की अध्यक्षता एवं चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में होगी। बता दें कि पंचायत समिति धनाऊ विकास अधिकारी हिमांशु चौधरी भी इसमें शामिल रहेंगे। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज जिले में कुल 16 परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। बता दें जिसमें सभी 16 परीक्षा केंद्रों पर कुल 7,241 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने इसे लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। बलरामपुर टेंट व्यवसायी संगठन की बैठक आज दिन में 11 बजे मुख्यालय के चौक बाजार स्थित प्रताप मैरिज हॉल में होगी। बता दें कि बैठक में 15वें प्रांतीय महाधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिनों में मानसून का आना संभावित है। आज से बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी क्रम में आज से 26 जून के दौरान पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है, साथ ही वज्रपात की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1903 में प्रसिद्ध साहित्यकारों में एक चंद्रशेखर पांडे का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1977 में आपातकाल की बरसी 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया गया। आज ही के दिन 1998 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 9 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे। आज ही के दिन सन 2002 में अफगानिस्तान में नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया था। आज ही के दिन 2009 में राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।